बोला था कि जेल से छूटने के बाद 180 दिनों के अंदर सरकार गिर जाएगी कहीं नहीं तो कहीं जुबान पे सरस्वती बैठी थी और ऊपर वाला कोई तो है जिसने देखा था कि मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया गया है और उसने कमिटमेंट किया है तो उसके कमिटमेंट को पूरा किया जाए और एक यूट्यूबर से जो है बिहार सरकार तकड़ाया तो बिहार सरकार गिर गया इन लोगों ने एन मेरे ऊपर लगाया इन लोगों को भी आज अफसोस होगा कि हम लोगों ने गलत कर दिया मनीष कश्यप के ऊपर नहीं लगाना चाहिए था और मुझे इस प्रकार से डराया जा रहा था इस प्रकार से धमकाया जा रहा था और मुझे इस प्रकार से जेल में रखा जा रहा था कि आ, मुझे लगा कि अब ये लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी दुनिया को देखनी चाहिए कि एक गरीब परिवार का एक मिडिल क्लास का लड़का जब संघर्ष करता है और सत्ता से सवाल पूछता है तो सत्ता कैसे उसको दबाने का प्रयास करता है और मैं सही ढंग से बिहार के लिए आवाज उठाता रहा लेकिन ये लोग बहुत परेशान किए कुछ परेशानियों के बारे में अगर मैं बता दू ना तो बिहार में बहुत कुछ हो जाएगा लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि बिहार को जिस आग में इन लोगों ने जलाया है उस आग में फिर से बिहार जले आजाद भारत में आज तक किसी पत्रकार के घर का कुर्की नहीं हुआ है नहीं। किसी भी पत्रकार के घर का किसी पत्र यूट्यूबर के घर का कुर्की नहीं हुआ है आजाद भारत का मैं पहला व्यक्ति और आजाद भारत का पहला पत्रकार या यूट्यूबर भी हूँ मैं जिसके लिए पूरा राज्य बंद हो गया तो लोगों ने दिल में बैठाया और नेताओं ने जो है वो फंसाने का प्रयास किया हालांकि मुझे इस बात का अफसोस है कि बिहार के बुद्धिजीवी मेरे साथ नहीं खड़े हुए मेरे लिए खड़ा कौन हुआ मजदूर मेरे लिए खड़ा कौन हुआ गरीब मेरे लिए खड़ा कौन हुआ जो दलित लोग थे वो मेरे लिए खड़ा कौन हुआ जो पिछड़े समाज के लोग थे वो मेरे लिए खड़ा कौन हुआ जो स्वर्ण समाज के लोग थे वो इन पुल के बारे में बोला था सबको पता है गिरा पुल सरकार के बारे में बोला मैंने सबको पता है गिरी सरकार और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि भविष्य में जो ये लोग जो हैं जिन लोगों ने मुझे परेशान किया ये लोग कभी भी सत्ता के सिर्फ सिंहासन पे नहीं बैठ पाएंगे कभी नहीं बैठ पाएंगे नीतीश कुमार जी अगर आर के साथ रहते तो नीतीश कुमार जी क, मतलब की चार सीट भी चार सांसद भी नीतीश कुमार जी के पार्टी का नहीं जीत पाता अब बीजेपी के साथ जो है नैया पार लग सकता है मनीष कश्यप एक इंजीनियर से पत्रकार बने उसके बाद चुनाव भी लड़े आप विधानसभा में तो आगे अगर आपको बीजेपी से मौका मिले चुनाव लड़ने का तो मनीष कश्यप की क्या इस इसमें प्रतिक्रिया पता नहीं आपके जुबान पर सरस्वती इस समय बैठी थी या नहीं बैठी थी वो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन भविष्य में अगर मुझे मौका मिले बिहार के लिए कुछ करने का देश के लिए कुछ करने का तो उसके लिए मैं तैयार रहूँ और तेजस्वी यादव जी उतना ही क्लास पढ़े हैं जितना बार नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण किए हैं और ये भारत के इकलौते व्यक्ति हैं जिनके माता और पिता दोनों सीएम रहे हैं और उनका बेटा पास है, बन गया है डिप्टी सीएम, कितना गलत मैसेज जाएगा बिहार का छवि किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा पहाड़ प्रशांत किशोर और, और मनीष कश्यप का पहचान जो है प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप का टैलेंट है हमारे पिताजी के वजह से लोग हम दुनिया में आए ये बात सत्य है लेकिन आज जो दुनिया के लोग जान रहे हैं वो हमारी काबिलियत की वजह से जान रहे हैं लेकिन तेजस्वी जी को अगर कोई जान रहा है तो उनके पिताजी के वजह से वो दुनिया में आए और पिताजी के वजह से लोग जाना तो ये फर्क है राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंची है कैसे स्वागत करेंगे वो निच् क्या कहना चाहेंगे अब भाई जो लोग स्वागत करने वाले हैं करें। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा सुने हैं कि बिहार में लेके आए हैं जब बिहार का एक पत्रकार पे आने से लगा था उन्होंने तो चूचा कुछ नहीं बोला मैं तो आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप एक बार मेरे गांव पे आइए नौवीं बार तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए क्या दसवीं बार भी बनेंगे ना टाइम्स ऑफ भारत की डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है बिहार पूरे देश में चर्चा में है तो हमारे साथ बिहार से ही जुड़े हैं एक यूट्यूबर जो पहले इंजीनियर थे अब यूट्यूबर हैं और सोशल वर्क भी करते हैं नेतागिरी आने वाले दिनों में हमें लग रहा है बहुत अच्छे नेता भी बनेंगे मनीष कश्यप उनका नाम है जिन्होंने कहा था जेल से छूटने के 180 दिनों बाद सरकार गिरा दूंगा स्वागत है मनीष जी आपका आ, बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोला था कि जेल से छूटने के बाद 180 दिनों के अंदर सरकार गिर जाएगी हालांकि सरकार गिराने में, में मेरा कोई योगदान नहीं है लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जुबान पे सरस्वती बैठी थी और ऊपर वाला कोई तो है जिसने देखा था कि मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया गया है और उसने कमिटमेंट किया है तो उसके कमिटमेंट को पूरा किया जाए तो कहीं नहीं तो कहीं इसमें भगवान का हाथ है और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है तो आपकी भविष्यवाणी एक और थी आपने कहा था एक पुल है बारह महीने में गिर जाएगा ग्यारह में मैंने था? कुछ नेताओं के भाग्य के बारे में भी भविष्यवाणी की थी और वो सही हुआ और मैंने कुछ लोगों को बोला था सरकार गिरेगी और आप लोग जो है सत्ता में आएंगे मैंने बोला था अभी जेल से निकलने के बाद और आप लोग मतलब बहुत सारी चीजें तो बहुत सारी चीजें जो है हम लोग ऑन रिकॉर्डिंग नहीं बोल सकते हैं लेकिन पुल के बारे में बोला था सबको पता है गिरा पुल सरकार के बारे में बोला मैंने सबको पता है गिरी सरकार और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि भविष्य में जो ये लोग जो है जिन लोगों ने मुझे परेशान किया ये लोग कभी भी सत्ता के सिर्फ सिंहासन पे नहीं बैठ पाएंगे कभी नहीं बैठ पाएंगे दो चौबीस में बिहार लोकसभा भविष्यवाणी? हजार 2024 में बीजेपी बिहार में मजबूत हो गई है और वर्तमान कंडीशन है कि बीजेपी जब तक नीतीश कुमार जी नहीं आए थे राम मंदिर के वजह से 300 से लेके 325 सीटें थी नीतीश कुमार जी के आने के बाद जो है 310 से लेके 335 सीटें हो गई है और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के साथ ये जो बजट सत्र है जो आखिरी बजट सत्र है इस पांच साल के कार्यकाल का तो ये बजट सत्र होगा बजट सत्र में अगर मिडिल क्लास को गरीबों को रिलीफ मिलेगा राहत मिलेगा तो सीटें और बढ़ सकती है मैक्सिमम सीटें साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सौ तक एनडीए की जा सकती है जहां तक मेरी जानकारी है हालांकि इस देश में मेरे से भी ज्यादा ज्यादा जानकार लोग हैं तो वो लोग भी अपनी बातों को रख सकते हैं मैंने अपनी बातों को रखा अच्छा प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश के साथ आने से बीजेपी को नुकसान होगा फायदा नहीं होगा आपका क्या बताया उनको कुछ चीजों पे एक्सपीरियंस है कुछ चीजों की जानकारी है उनको अच्छे ढंग से जानकारी है और वो अपनी जानकारी के हिसाब से बोलते हैं Uh, कभी मैं उनसे मिला नहीं हूं प्रत्यक्ष रूप से कभी मिला नहीं हूँ कभी बातचीत नहीं हुआ है लेकिन उनके उन्होंने बीजेपी के साथ भी काम किया है कांग्रेस के साथ भी काम किया मायावती के साथ भी नीतीश कुमार जी के साथ भी आरजेडी के साथ भी और भी बहुत सारे सरकारों के साथ काम किया तो अपनी जानकारी के हिसाब से बोल रहे हैं लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है नीतीश कुमार जी अगर बीजेपी में आए हैं तो मतलब कि लोकसभा में इन लोगों को मजबूती मिलेगी दोनों दोनों पार्टियों को मजबूती मिलेगी नीतीश कुमार जी अगर आरजेडी के साथ रहते तो नीतीश कुमार जी क, मतलब कि चार सीट भी चार सांसद भी नीतीश कुमार जी के पार्टी का नहीं जीत पाता अब बीजेपी के साथ जो है नैया पार लग सकता है और तेजस्वी यादव जो अब आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी पे क्या कहेंगे आप देखिये युवा नेता है तेजस्वी यादव जी उन्होंने जो मेरे साथ किया गलत किया समय सबको जवाब देता है तो समय उनको भी जवाब देगा जब आज आरोप लगा रहे हैं तो वही आरोप जो है पहले क्यों नहीं लगाए जब सरकार में थे साथ में थे वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे थे बगल में उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे थे उस समय बिहार के जनता की समस्या क्यों नहीं दिखी किसी विधानसभा का दौरा इन लोगों ने क्यों नहीं किया किसी भी तो विधानसभा में जाना चाहिए था विधानसभा के लोगों से बातचीत करना चाहिए था तो बहुत सारी चीजें है बहुत सारी चीजों पर हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते जनता सब देख रही है सोशल मीडिया का जमाना है पहले कहा जाता था कि लोकतंत्र का चार स्तंभ होता है लेकिन 2020 के बाद से लोकतंत्र का पांच स्तंभ हो गया और पांचवा स्तंभ हुआ है सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया का जमाना है और यहाँ पे कोई छिपता नहीं है कुछ छिपता नहीं है चाहे वो आपका चाल चलन चरित्र हो चाहे मेरा हो या किसी का भी हो और हर किसी के अंदर कमी और अच्छाया और बुराइया होता है तो जरा जा, सोचिए कि जब ये लोग साथ में बैठे थे कुर्सी पे तो उस समय नीतीश कुमार जी की बुराइयां इनको नहीं दिख रही थी क्या उस समय दिखनी चाहिए थी तो उस समय नहीं उस समय तो क्या किस प्रकार से जदयू को तोड़ने का प्रयास जो है आरजेडी के नेता कर रहे थे तो उस समय सब ठीक है नीतीश कुमार जी सोए हुए हैं उनको जो है नहीं पता है, और जब नीतीश कुमार जी को पता चल गया उन्होंने इनका साथ छोड़ के जो है बीजेपी में चले आए वो तो ये गलत हो गए एक बार अगर ऐसा हुआ रहता अगर नीतीश कुमार जी एक बार जो है आरजेडी का साथ छोड़ के बीजेपी में आए रहते तो चलिए मानते कि हाँ चलिए एक बार कोई भी धोखा खा सकता है दूसरी बार ये गए थे और दूसरी बार वापस आए थे तो जब जाते हैं तब अंगूर मीठे हो जाते हैं और जब वापस चले आते हैं तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं तो कहीं नहीं तो कहीं इन लोगों का सोच ही खट्टा है और ये लोग जो है बस अपने हिसाब से जो है वो तराजू पे किसी भी चीज को रख के तोलते हैं और अपने हिसाब से राजनीति करने का प्रयास करते हैं एनएसए मनीष कश्यप पर लगाया गया एक जो आतंकवादियों पर लगाया जाता है जेल में आपको रखा गया मैंने जेल पे बीस से ज्यादा स्टोरीज की है देश भर की जेलों पे अंदर जो नर्क वाली जिंदगी होती है क्या आपको लगता है कि वो सुलूक जो आपके साथ किया गया जो आतंकवादियों पर लगाया जाता है एनएसए कैसे मनीष कश्यप उसे याद करते हैं और क्या आपको लगता है वो करके देखिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं जिस पे भी एनएसए लगता है उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है ज्यादातर लोगों का मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि कोर्ट ने एनएसए क्वेश कर दिया मतलब खारिज कर दिया हटा दिया खत्म कर दिया कोर्ट ने मैं सौभाग्यशाली हूं इन लोगों ने एन एस ए मेरे ऊपर लगाया इन लोगों को भी आज अफसोस होगा कि हम लोगों ने गलत कर दिया मनीष कश्यप के ऊपर एन एस ए नहीं लगाना चाहिए था आज अफसोस होगा और इन्हें भी एहसास होगा कि नहीं गलत हुआ है। लेकिन जो सलूक मेरे साथ किया गया वो कहीं नहीं तो कहीं गलत है अमृतपाल जो पंजाब के थे जिन्होंने सॉरी जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते थे तो उनके ऊपर एनएसए लगा और उनको पंजाब से जो है वो डिब्रूगढ़ आसाम में भेज दिया गया उनके घर पे ऐसे बहुत सारा बंदूक पकड़ा गया अब वो ऐसे वैसे लोगों पे एनएसए लगता था मनीष कश्यप पे लगा दिया गया उन्नीस को जब 15 अगस्त रात के 12 बजे देश आजाद हुआ तब से लेके और 2024 आज 29 तारीख है आज तक एक भी पत्रकार के ऊपर रहने नहीं लगा एक भी यूट्यूबर के ऊपर एनएसए नहीं लगा चलिए हमको अगर आप पत्रकार नहीं मानते हैं यूट्यूबर तो मानते हैं ना तो एक भी यूट्यूबर के ऊपर एनएसए नहीं लगा जरा सोचिए मनीष कश्यप पहला पत्रकार था पहला यूट्यूबर था जिसके ऊपर एनएसए लगाया गया पहला पत्रकार या पहला यूट्यूबर था जिसके घर का कुर्की किया गया आजाद भारत में आजाद भारत में आज तक किसी पत्रकार के घर का कुर्की नहीं हुआ है किसी भी पत्रकार के घर का किसी यूट्यूबर के घर का कुर्की नहीं हुआ है आजाद भारत का मैं पहला व्यक्ति हूँ और आजाद भारत का पहला पत्रकार या यूट्यूबर भी हूँ मैं जिसके लिए पूरा राज्य बंद हो गया बिहार पूरा बंद हो गया था तेईस मार्च को ये चीज है तो लोगों ने दिल में बैठाया और नेताओं ने जो है वो फंसाने का प्रयास किया हालांकि मुझे इस बात का अफसोस है कि बिहार के बुद्धिजीवी मेरे साथ नहीं खड़े हुए जो अपने आप को जो है सो कॉल्ड so ब्रेन वाले अपने आप को समझते हैं जो बोलते हैं कि हम बिहार के विकास की बा, बात करते हैं कोई नहीं खड़ा हुआ मेरे लिए खड़ा कौन हुआ मजदूर मेरे लिए खड़ा कौन हुआ गरीब मेरे लिए खड़ा कौन हुआ जो दलित लोग थे वो मेरे लिए खड़ा कौन हुआ जो पिछड़े समाज के लोग थे वो मेरे लिए खड़ा कौन हुआ जो स्वर्ण समाज के लोग थे वो यानी दलित पिछड़ा और स्वर्ण मेरे लिए सब खड़े हुए लेकिन उसमें एक कंडीशन था वो गरीब थे वही खड़े हुए जो लोग अमीर थे वो मेरे लिए नहीं खड़े हुए मेरे लिए आवाज नहीं उठाए जो मिडिल क्लास के थे वही खड़े हुए जो अमीर थे वो लोग मेरे लिए आवाज नहीं उठाए मेरे लिए कुछ नहीं किया तो ये सारी चीजें और जब मैं जेल से बाहर निकला तो प्यार आप लोगों को दिखा ही होगा कि जेल के गेट पे जो है आज तक भारत के इतिहास में किसी नेता के लिए उतना भीड़ तो जेल के गेट पे नहीं आया जहां तक मेरी जानकारी है मेरा नॉलेज है मेरा नॉलेज है और वो सारा चीजें जो है चैनलों पे चला दिखाया भी गया

बीजेपी से मौका मिले चुनाव लड़ने का तो मनीष कश्यप की क्या इस पे प्रतिक्रिया हो पता नहीं आपके जुबान पे सरस्वती इस समय बैठी थी या नहीं बैठी थी वो मैं नहीं जानता हूं लेकिन मैं आ, आ, सिविल इंजीनियर था सिविल इंजीनियर आज भी हूं सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है कि निर्माण में अपना योगदान दे आज मैं अपने राज्य के निर्माण में देश के निर्माण में योगदान देता हूं और हाँ मैं सड़कों के बारे में वीडियो बनाता हूँ सिविल इंजीनियर ही सड़क बनवाता है मैं बिल्डिंग्स के बारे में वीडियो बनाता हूँ सिविल इंजीनियर ही बिल्डिंग्स बनाता है तो ये सारी चीजें मैं अभी जो कर रहा हूं उसमें खुश हूं लेकिन भविष्य में अगर मुझे, मुझे मौका मिले बिहार के लिए कुछ करने का देश के लिए कुछ करने का तो उसके लिए मैं तैयार रहू मनोज तिवारी आपके यहाँ आए पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आपके साथ गलत हुआ आपको कैसा लगा कि बीजेपी का बहुत बड़ा नेता आपके पास आ रहा है सांसद है देखिये मैं तो आज मैं ये खूबसूरत लोकतंत्र को समझिए कि मनोज तिवारी मेरे घर पे आए और आज मैं बीजेपी बिहार में जो सरकार बनी है उससे मैं सवाल कर रहा हूं कल ही रात में जो है मैंने आ, मतलब जिस दिन सरकार बनी उसी दिन कुछ घंटों बाद जो है मैंने सवाल किया है रात में तो ये खूबसूरती को समझने की जरूरत है और हम पत्रकारों को जो है सरकारें जो है आजाद रखे कोई भी सरकार हो हम पत्रकारों को आजाद रखे मनोज तिवारी मेरे घर आए जरा सोचिए कि एक पत्रकार के साथ एक सरकार जो है जायदती कर रहा है और दूसरे सरकार के लोग उसके घर पे आते हैं तो यही तो हमारी ताकत है कि एक सरकार हमसे डर गई और एक सरकार हमें सम्मान दे रही है तेजस्वी यादव की कोई सबसे अच्छी और सबसे खराब चीज मनीष कश्यप की तेजस्वी यादव की सबसे अच्छी चीज है कि युवा है।, है, है सबसे अच्छी चीज है युवा है सबसे खराब चीज ये है कि वो गरीबों का दर्द नहीं समझ पाते हैं उन्हें समझना चाहिए ये चीजें है तो युवा है और बस वो गरीबों का दर्द समझे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा प्रशांत किशोर कई बार कहते हैं कि वो कई आरोप लगाते हैं उनके ऊपर कभी कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है वो सिर्फ लालू यादव के बेटे हैं इसीलिए वो डिप्टी सीएम बन गए नहीं ये तो बात सही कहते हैं प्रशांत किशोर जी ये तो बात सही कहते हैं अगर तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद यादव जी के बेटे नहीं होते तो क्या डिप्टी सीएम कभी बनते आप बताइए कभी बनते नहीं बनते और अगर तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी के बेटे नहीं होते तो मीडिया उनके बारे में चर्चा करती नहीं करती ये सच्चाई है और इसे झुठला नहीं सकते हैं और तेजस्वी यादव जी उतना ही क्लास पढ़े हैं जितना बार नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण किए हैं ये चीज है बताइए कितना गलत मैसेज जाएगा उस राज्य का जिस राज्य का डिप्टी सीएम के पिताजी और माताजी दोनों सीएम रहे हों और ये भारत के इकलौते व्यक्ति हैं जिनके माता और पिता दोनों सीएम रहे हों और उनका बेटा नहुआ पास है और वो बन गया है डिप्टी सीएम कितना गलत मैसेज जाएगा बिहार का छवि किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा बाहर तो ये सारी चीजें देखिए ये प्रशांत किशोर की इस बात से मैं हंड्रेड परसेंट सहमत हूँ उनका पहचान जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके पिताजी है और प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप का पहचान जो है प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप का टैलेंट है हमारे पिताजी के वजह से लोग हम दुनिया में आए ये बात सत्य है लेकिन आज जो दुनिया के लोग जान रहे हैं वो हमारी काबिलियत की वजह से जान रहे हैं लेकिन तेजस्वी जी को अगर कोई जान रहा है तो उनके पिताजी के वजह से वो दुनिया में आए और पिताजी के वजह से लोग जाना तो ये फर्क है अब आपको लगता है कि नौवीं बार तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए क्या दसवीं बार भी बनेंगे ना लास्ट बार ही है और सवाल पूछते रहेंगे मनीष कश्यप लगातार उनसे हाँ एकदम एकदम बिल्कुल 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 देखिए इस देश के नेताओं से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग दिल बड़ा कीजिए आप लोग पत्रकारों के सवालों को दिल पे मत लीजिए आप लोग पत्रकारों के सवालों को समझिए चाहे वो किसी भी विंग का पत्रकार हो लेफ्ट विंग का पत्रकार हो राइट विंग पत्रकार हाँ, से फंडिंग के, अगर कुछ कर रहा है पाकिस्तान से फंडिंग लेके विदेशी एजेंडा चला रहा है तो आपको जो करना है मनीष कश्यप आज हमारे साथ डिजिटल टॉक में जुड़े बहुत अच्छी इन्होंने बातें की बताया कि किस तरीके से जब जेल में रहे तो क्या एक्सपीरियंस था एन एस लगा कैसे एन से बाहर आए और कैसे लड़ाई लड़ी इन्होंने एज ए पत्रकार समाज के लिए अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं आसपास पूरे बिहार का विकास करने की बात करते हैं उम्मीद करते हैं इनकी जो सोच है सरकार तक पहुंचे और इनके स्कूल सा, जो इनके गांव में स्कूल है वहां पे टीचर भी आए और जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हमारी शुभकामनाएं है। मनीष बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको टाइम्स नो नो भारत डिजिटल टॉक की तरफ से जय हिंद